महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ठीक एक साल पहले सिंदेवाही और चिमूर तहसील में आसमान से कुछ वस्तुएं गिरी थी। उनमें से एक अंगूठी जैसी विशालकाय रिंगनुमा वस्तु थी तो वही दूसरी लगभग 6 वृत्ताकार गुब्बारे जैसे दिखने वाले पुर्जे थे। आसमान से इन वस्तुओं के गिरने के बाद दहशत का माहौल बन गया था। इसकी जांच के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक टीम चंद्रपुर के सिंदेवाही भी पहुंची थी। ठीक एक साल बाद इसरो ने पुष्टि की है कि अंतरिक्ष से गिरे ये टुकड़े चीन के लॉन्ग मार्च सैटेलाइट के हिस्से हैं। इस संबंध में चंद्रपुर के खगोल शास्त्री सुरेश चौपाने का इसरो के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क में बना हुआ है। खगोल शास्त्री सुरेश चौपारे ने बताया कि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चीन के लॉन्ग मार्च सैटेलाइट के टुकड़े हैं। इसरो की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। ज्ञात हो कि एक साल पहले देश के कई हिस्सों में आकाश से आग के गोले जैसी वस्तुएं जमीन की ओर तेजी से आते हुए देखी गई थी। पहले तो ये धूमकेतु होने की जानकारी सामने आई थी। इस घटना को लेकर लोगों में डर का माहौल भी था। पिछले साल 2 अप्रैल को चंद्रपुर के सिंदेवाही तहसील में चाइना के एक सैटेलाइट के अवशेष गिरे थे। उसमें कुछ सिलेंडर भी थे और कुछ बूस्टर रॉकेट बूस्टर की रिंग भी वहां थी। तो उसके बाद में चर्चा ही थी कि ये सैटेलाइट के कुछ पुर्जे है या कौन से सैटेलाइट के पुर्जे है या अवकाश से स्पेस से कुछ चीज गिरी है क्या। तो हमने कांटेक्ट करके फिर प्रशासन ने भी कांटेक्ट करके इसरो के जो साइंटिस्ट 2 यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी उसकी जांच की और सभी जो सैंपल्स है नमूने जो है यहाँ से वो ले गए और इसरो में उन्होंने जांच की और उन्हें वो जांच की रिपोर्ट जो है रिपोर्ट सरकार को दी। मगर संवेदनशील मामला होने के वजह से वो रिपोर्ट उन्होंने जाहिर नहीं की। मगर जहां तक मेरा उनसे उनसी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये चाइना के जो लॉन्ग मार्च सैटेलाइट है जो 2021 में गया था उसके ही कुछ पुर्जे जो है यहाँ पे गिरे हैं। तो मैंने फिर चंद्रा ऑब्जर्वेटरी जो है अमेरिका की उनके भी मिस्टर जोनाथन मैकडोवल उनसे संपर्क किया और उन्होंने भी बताया कि ये चाइना के जो लॉन्ग मार्च जो सैटेलाइट है उसके ही पुर्जे है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।